अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं सलमान हसन और मैं सैयद आयशा नास। बुलेटिन का आगाज दुनिया हेडलाइन से। तालिबान से मुजाकरात होंगे या ऑपरेशन, वजीर आजम आज पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लेंगे। तालिबान की पेशकश पर भी गौर होगा। कौमी असेंबली में अहम ऐलान का इम्कान। ऑपोजिशन जमातें भी आज मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेंगी। बन्नू मीरानचा रोड पर गैर मुयना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। हंगू में खिलौना बम फटने से जाम बहक होने वाले पांच बहन भाइयों और उनके कजिन की नमाज जनाजा आज होगी। दौलतपुर बस हादसे में जाँ बहक होने वाले 21 बच्चों का स्कूल 12 दिन बाद दोबारा खुल गया। माहौल सोगवार, तलबा साथियों की जुदाई में अफसरदा। कई जख्मी बच्चे आज भी मौत से जंग लड़ रहे हैं। कराची में फायरिंग से दो भाई जाँ बहक। सिंध भर में एक माह के लिए दोबारा डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुजाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। अफगानिस्तान से फौजी इनकला पर भी बातचीत होगी। जजेस नजरबंदी केस में परवेज मुशर्रफ की जगह उनकी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। अगली समाअत 10 फरवरी को होगी। शाह फरमान पुलिस लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को तारिक सदुजई के घर पहुंच गए। बिजली के दो गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ने का दावा। तहरीक इंसाफ का पेस्को के सरबरा की बरतरफी का मुतालिबा। बहरिया टाउन के तामीराती मंसूबों की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा। कराची में बुकिंग के लिए लोगों का तांता बंद गया। शहरियों का बहरिया टाउन में सरमायाकारी पर भरपूर एतमाद का इजहार। मेक्सिको में हजारों शहरियों का एक साथ योगा करने का मुजाहरा। सैयाहों की बड़ी तादाद भी देखने पहुंच गई। लॉस एंजलस में ग्रैमी अवार्ड की तकरीब में सितारों की सज धज कर शिरकत। रॉयल्स के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड।